पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के जीवन काल में जितने लोग विश्वास के साथ ईसा मसीह को स्पर्श किया या ईसा मसीह ने जितने लोगों को स्पर्श किया वे सबके सब चंगाई प्राप्त किया, उनके जीवन बदला है। प्रभु का एक स्पर्श मिलना या प्रभु को स्पर्श करना, हमें मालूम है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5:25 से आगे एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला के विषय में लिखा, 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित, वो अपने मन ही मन ये कहती थी, एक बार मुझे प्रभु का कपड़े का पल भर स्पर्श करने मिले मैं जरूर चंगाई प्राप्त करूंगी। नाना प्रकार के इलाज किया, अनेकों वैद्यों के पास गया, कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि उनका बीमारी बढ़ता गया, कष्ट बढ़ता गया। लेकिन उनके मन में एक विश्वास जाग उठा, यदि ईसा मसीह एक बार मुझे मिल जाए, उनके कपड़े के पल्ले का स्पर्श करते हुए मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। वही हुआ, भीड़ में वो घुसती है, ईसा मसीह के कपड़े का पल्ला स्पर्श करती है। ईसा मसीह वहीं रुक करके पूछते हैं, कौन मुझे स्पर्श किया, क्योंकि मुझसे एक शक्ति निकलती थी, हम लोग एक शक्ति निकली है। ये बोला, शिष्य लोग बोल रहे थे, प्रभु आप देख रहे हैं धक्का मुक्की चल रहा है, बहुत भीड़ है। बोला, नहीं, किसी ने मुझे स्पर्श किया, अर्थात ईसा मसीह में जो चंगाई देने का जो शक्ति था, उस शक्ति को इस महिला ने स्पर्श कर विश्वास उसे खींच करके लिया। प्रभु ने नहीं भेजा, इस महिला का विश्वास ईसा मसीह से उस शक्ति को अपनी ओर खींचा। एक चुंबक है इस महिला का विश्वास, यीशु को स्पर्श करूं मैं चंगाई प्राप्त करूं, खींच ले लिया। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार का विश्वास की जरूरत है। अभी सवाल है, अभी हम कैसे ईसा मसीह को स्पर्श करें। बाइबल में यह भी देखते हैं, ईसा मसीह ने जिसको भी स्पर्श किया, चाहे अंधे की आंखों को स्पर्श किया, चाहे कोढ़ी को स्पर्श किया, चाहे गुंगे के जीव को स्पर्श किया, जहां इस व्यक्ति को भी स्पर्श किया, हम देखते हैं उनके जीवन बदला है, चंगाई हुआ है। प्रभु का वो स्पर्श आज कैसे हम प्राप्त करें, सवाल ये है। आज हम लोग इसी के ऊपर मनन चिंतन करना है, मैं कैसे प्रभु का उस स्पर्श का अनुभव करूं, कैसे मैं प्रभु को स्पर्श कर पाऊं। मैं उसके लिए सरल एक दो बातें बोल करके देता हूं। यदि आप अपने जीवन में कुछ आशीष पाना चाहते हैं, प्रभु का स्पर्श चाहते हैं, प्रभु का प्रेम चाहते हैं, या आप प्रभु को स्पर्श करना चाहते हैं, जैसे 2000 साल पहले माता मरियम को ईसा मसीह को अपने बाहों में लेने का, हाथों में लेने का, दूध पिलाने का, गर्भ में रखने का जो सौभाग्य मिला, आज आपको मिल सकता है। कैसे यीशु को स्पर्श करना है, सरल तरीका, सबसे पहला सरल तरीका है, मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कीजिए। 2000 साल पहले जिस मसीह को
इस रक्तस्राव इस पीड़ित महिला ने स्पर्श किया, उसी ईसा मसीह आज एक रोटी के रूप में हमारे जीवन में आता है। ईसा मसीह को स्पर्श आज करने का सबसे सरल तरीका, इसलिए ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 28:20 में कहा, देखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हमारे साथ संसार के अंत तक रहने के लिए रोटी का रूप धारण किया करने वाला मसीह को आज हम रोटी के रूप में ही ग्रहण करना, स्पर्श करना, ये अनुभव मधुर अनुभव है। जैसे ईसा मसीह ने योहन का सुसमाचार अध्याय 6:56 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा, जिस तरह मेरे पिता के द्वारा मुझे जीवन मिलता है और पिता ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा है, उसी प्रकार हम लोगों को भी ईसा मसीह के द्वारा जीवन मिलता है, ईसा मसीह को स्पर्श करने का एक अवसर मिलता है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, प्रभु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। तो सबसे सरल तरीका, मिस्सा बलिदान में जाइए, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु ईसा मसीह को ग्रहण कीजिए। जो चमत्कार 2000 साल पहले हुआ था वो चमत्कार आज भी हमारे कलीसिया में इस प्रकार हो रहा है। ईसा मसीह जीवित प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु ने वादा किया है, उसमें मैं निवास करूंगा। इसका मतलब है वो रोटी ईसा मसीह है, उसे स्पर्श कर हमें कृपा अनुग्रह आशीष मिलेगा। इसके बाद कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा और पिता से मुझे जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, वो रोटी खाता है, उससे मुझसे जीवन मिलेगा। यह रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, इसका मतलब हम जब परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, रोटी और दाग का रस, हम ईसा मसीह को ग्रहण कर रहा है। सबसे सरल तरीका यही है, प्रतिदिन इस प्रकार प्रभु के साथ एक होने का प्रयत्न कीजिए। यदि आपके जीवन में संभव है, रोज मिस्सा बलिदान में जाइए। हमारे कैथोलिक चर्च में हर रोज मिस्सा बलिदान चलता है और बाइबल हमें सिखाते हैं यही सबसे अच्छा तरीका है, सरल तरीका है, प्रभु ने यह ठहराया है ईसा मसीह को स्पर्श करने का। नाना प्रकार के बीमारियों से आपको चंगाई मिलेगा, आपके जीवन में जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति होगी। जो भी शैतानी हरकत है, जो भी बंधन है, विवाह होने में बाधा है, संतान नहीं हो रहा है, आप एक निर्णय कीजिए, प्रतिदिन की मिस्सा बलिदान और हर महीना कम से कम एक बार पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना का, पाप से दूर रहने का, प्रभु के करीब जो आता है उन्हें पाप करने का इच्छा नहीं होता है, वो पाप से दूर भागता है। इस प्रकार हम लोगों को एक कृपा मिलेगा। केवल यूक्रिस्ती नहीं, मैं बोलूंगा 7 संस्कार ईसा मसीह ने ठहराया है, ये कलीसिया का बनाया हुआ नहीं है। ईसा मसीह ने संसार में 7 संस्कार, इन 7 संस्कार के द्वारा प्रभु की कृपा हमें मिलता है। लेकिन यूक्रिस्तीय संस्कार है, अन्य संस्कारों में यदि कृपा मिल रहा है, यूक्रिस्तीय संस्कार वो है, उन कृपाओं का स्रोत ईसा मसीह को ही हम यूक्रिस्त में ग्रहण कर रहा है। तो अन्य जो संस्कार है, चाहे पाप स्वीकार संस्कार आप कर रहा है, प्रभु का उपस्थिति आपके पास है, बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, रोगी विलेपन हो, कोई भी विवाह संस्कार में भी ईसा मसीह वहां उपस्थित रह करके हमें स्पर्श करता है। तो ये विश्वास करना है, इसलिए सैक्रमेंट्स हमें दिया है, एक सैक्रमेंटल लाइफ व्यतीत करना, एक सैक्रमेंटल लाइफ, जितना संभव है रोज मिसा में जाने का कोशिश कीजिए
और इस विश्वास के साथ मैंने यीशु को ग्रहण करना है, मुझे यीशु चाहिए। उस यीशु ग्रहण करने के बाद बार बार उसकी स्तुति करो, प्रभु अब तो मेरे मुझ में और मैं तुझ में, ईसा मसीह में हम और हमारे अंदर ईसा मसीह, इस अवस्था में आकर के हम प्रभु को स्पर्श करना एक बन सकता है। प्रभु को पास बुलाने के लिए अगला है प्रार्थना करना। प्रभु कितना दूर है, हमारा कितना बुलावा जो आवाज है उतना दूर। यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु ईसा मसीह ने स्वयं कहा नित्य निरंतर प्रार्थना करना, प्रार्थना करते करते थकना नहीं। मैं इतना प्रार्थना की इसके बाद भी नहीं मिल रहा है, थकना नहीं, आपका परीक्षा हो रहा है, इसके बाद कहीं आप प्रार्थना तो नहीं बंद कर रहा है। हर काम के पहले प्रार्थना, हर काम के समय पर प्रार्थना, काम समाप्त होने के बाद प्रार्थना, इस प्रकार प्रार्थना का एक जीवन शुरू कीजिए। अगला है बाइबल रोज पढ़ना, इसमें भी प्रभु का उपस्थिति होता है। और आखिरी एक और बल कर देता हूं, दूसरों में मसीह को देखना सीखिए, गरीबों में जरूरतमंदों में मसीह को देखना, दूसरों की मदद करना, सेवा करना, दूसरों के विषय में अच्छी बातें करना, इस प्रकार एक प्रेम संबंध बनाते हुए मसीह का वो प्रेम में हम लोग हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम मसीह का अनुभव कर सकता है और मसीह का स्पर्श हम लोग पर्सनल एक रिलेशन में आता है। यूक्रिस्तीय बलिदान के समय पर मिस्सा बलिदान ये हमें अनुभव देता है। तो निर्णय कीजिए, आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का उस अनुभव के लिए अपना हृदय में एक चाहत लेके आइए। प्रभु तू मुझ में आइए, यूक्रिस्तीय प्रभु की आराधना महिमा सदा सर्वदा होवे। उस यूक्रिस्तीय ईश्वर का अनुभव हमारे जीवन को बदल डाले, उस यूक्रिस्तीय प्रभु को ग्रहण करते हमारे शरीर से नाना प्रकार के बीमारियां दुख तकलीफ दूर हो जाए। उस यूक्रिस्तीय प्रभु हमारे जीवन में रहकर हमें विजयी यात्रा में लेकर के चले। प्रार्थना करें और एक दृढ़ निश्चय करें, यदि संभव है रोज मिस्सा बलिदान में जाने का। एक भी ऐसा इतवार हुकुम पर्व नहीं होना चाहिए जिसमें हम मिस्सा में भाग नहीं लिया हो, चाहे उसके लिए कितना भी खर्च करना पड़े, कितना भी दिक्कतें उठाना पड़े। हर इतवार और हुकुम पर्व पर प्रभु को ग्रहण करने जाएंगे। निर्णय कीजिए। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।